असलकम हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हमने ये गरारा रेडी किया है ट्रेडिशनल और ये गरारा है ये जिसको बहुत ही इजीली मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताई है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें तो हमें इसके लिए एक बनारसी कपड़ा लिया है जिसकी विड्थ भी अच्छी खासी है इसमें फ़ोटी मैं आपको दिखा देती हूँ फोर्टी फाइव एंड हाफ इंच की इसकी विड्थ है जो कपड़े का अर्ज़ कहते हैं चौड़ाई और कपड़ा आपका अगर आप लेंथ मेरे अकॉर्डिंग लेंगे जैसे मैंने इसमें मेजरमेंट में लिया है तो आपका सवा पाँच मीटर के करीब कपड़ा इसमें लग जाएगा बाकी आप इसको पाँच मीटर से भी रेडी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हमने कपड़े को इस तरह बिछा लिया है डबल फोल्ड में तो यहाँ आप देख सकते हैं कपड़े को मैंने उल्टा करके डबल फोल्ड में बिछा लिया है पूरे कपड़े को तो पहला हम यहाँ से जहाँ से हमारा कपड़ा बंद है उस साइड से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे तो यहाँ से हमने इसको पूरा इस तरह कोना से कोना मिला के फोल्ड कर लेना है जब आप इसको फोल्ड करें तो दोनों तरफ से इसका मेजरमेंट बराबर होना चाहिए क्योंकि वरना ये आपका कोना सही नहीं बैठेगा तो इस तरह हम कोने को मिला लेंगे बिल्कुल और अपना ये कोना निकाल लेंगे हम इसको यहाँ से काट कर अलग करेंगे तो यहाँ से हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग नाप लेंगे हमारी लेंथ से ये कम नहीं होना चाहिए तो हमारी लेंथ जो रहेगी नीचे के घेरे की वो रहेगी ट्वेंटी थ्री इंच हमारा ये थर्टी नाइन और फोर्टी के करीब ये हमारा गरारा रेडी हो जाएगा ब्राइडल गरारे की लेंथ ज़्यादा ही रहती है आप चाहें तो यहाँ पे बाईस इंच इक्कीस इंच भी ले सकते हैं लेकिन बीस से कम लेंगे आप तो फुल साइज़ का आपका गरारा अच्छा नहीं लगेगा तो ये देखिए जुड़ा हुआ पार्ट हमने इस तरह अलग कर दिया है अब हम आगे इसमें कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स मैं दिखा देती हूँ आपको कि हमारा ये डबल फोल्ड कपड़ा था हमने एक कोना निकाला है अब हम अपना उरेब गरारा निकालेंगे तो यहाँ से हम उरेबी ही इसमें पट्टियाँ निकालेंगे तो जो नीचे के गरारे की घेरे की लेंथ है ट्वेंटी थ्री इंच तो हम यहाँ ट्वेंटी थ्री इंच पे मार्क कर लेंगे तो यहाँ हम इसको इसी तरह स्ट्रेट यहाँ से नापते रहेंगे जिस तरह आप उरेबी पट्टी निकालते हैं उसी तरह इसको नापना है उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है अभी ये जो हमारा है मेन इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है तो यहाँ पे हम इसी तरह इसको इंच टेप को रख के पूरे में ट्वेंटी थ्री इंच पे मार्क कर लेंगे तो यहाँ मैंने 23 इंच पे मार्क कर लिया है आप चाहें तो यहाँ पे कोने नाप सकते हैं लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है हम यहाँ पे इसको इसी तरह उरेब निकालेंगे तो जिसमें हम सीधा सीधा इसको 23 इंच पे नाप लेंगे तो देखिए मैंने वहां तक मार्क कर लिया है सब तरफ से हमें बराबर ही नापना है तो ये देखिए हमारी दूसरी पट्टी कट चुकी है तो अब हम ये दूसरे पैर के लिए इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हमें इसके जैसा ही इसको सेम काटना है यहाँ पर भी हमें ट्वेंटी थ्री इंच पे मार्क करना है फ्रेंड्स मैंने बहुत इजी वे में इसको बताने की कोशिश की है और आपको बीच बीच में इसका पूरा ड्राफ्टिंग भी दिखाई है कि किस तरह हमने इसको बिछाया है तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं तो ये जो बीच की दोनों पट्टियां हैं हमें बराबर लेनी है ये और ये ट्वेंटी थ्री इंच और ट्वेंटी थ्री इंच की हमने इसको कट कर लिया है अब हम इसको आपको पैटर्न बना के दिखाते हैं तो ये जो हमने पहले कट किया था तिकोना वाला उसको यहाँ से बीच में से हम खोल लेंगे तो बिल्कुल आपको कपड़े को सेट करके और बराबर रखना है तो ये देखिए इस तरह हमने इसको खोल लिया है तो ये आप इस पर वन भी डाल सकते हैं ये पहले एक पैर का हो जाएगा तो ये देखिए इसको हमने तिकोने को एक बार और तिकोना बना दिया है इस तरह और हमने इसको यहाँ रखा है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये बंद है क्योंकि हमारा गरारा कोने में से बंद होता है साइडों में से तो इसे हम रख देते हैं अभी एक तरफ और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक पट्टी यहाँ पे इसकी और इसकी चेंज कर सकते हैं अगर आपको साइज में कुछ डिफरेंट लगे तो बाकी वरना आप इसको सेम भी ले सकते हैं इससे आप इसकी लेंथ वगैरह भी देख सकते हैं कि दोनों की सेम ही आएगी पैर की अगर आप इस तरह इसमें चेंज कर लेंगे अदरवाइज अगर चेंज नहीं करेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों क्या हमारा दोनों पट्टियों की लेंथ और विड्थ सेम होनी चाहिए तो ये देखिए इस तरह हमने पट्टी को सीधा रख लिया है अब तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में था तो ये डबल फोल्ड में निकली है तो ये देख सकते हैं आप एक तरफ से इसका कोना इस तरह है और एक तरफ से उस तरह है अब इसको यहाँ पे इस तरह रखना है और जो ये हमने तिकोना फोल्ड किया था जो ये हमारा फोर फोल्ड में था उसको आपने यहाँ रखना है और जो हमने यहाँ इसको उरेब काटा है उससे मिला देना है तो इस तरह हमारी मेन लेंथ जो है वो हमारी जो बीच की दो पट्टियाँ थी वही थी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है तो इस तरह यहाँ आपका ये एक पैर का हो जाएगा और इसके दूसरे कोने पे हमें इसी में से एक लेना होगा क्योंकि ये फोर फोल्ड में है तो दो डबल फोल्ड में हो जाएगा एक तरफ का और डबल फोल्ड में दूसरी तरफ का तो ये देखिए इस तरह आप चाहें तो इसको आप यहां पे पिन से सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे यहां से आपका बंद रहेगा करारे में जिस तरह होता है और ये हमारी दूसरी पट्टी है उसको हम दूसरी तरफ रख देंगे तो ये देखिए ये यहां पर इस तरह सेट हो जाएगी अगर आपका सिलने के बाद कहीं कपड़ा कम या ज़्यादा है तो आप उसको इधर से कट कर सकते हैं लेकिन जो आपकी मेन लेंथ है वो आपकी बीच की जो चौड़ी वाली पट्टियाँ हैं वही आपको लेनी है अगर आप कम हाइट में बनाएं या ज़्यादा में बनाएँ तो आपको अपनी जो मेन बीच वाली पट्टियाँ हैं उनको लेना होगा उसके अकॉर्डिंग तो ये देखिए आप तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं और आप इस तरह इसको फोल्ड कर लें अगर आप सिक्योर नहीं कर रहे हैं पिन से तो ताकि आपको याद रहे तो ये दोनों तरफ हमारे जॉइंट हो गए हैं अलग अलग इसी तरह हमें अब दूसरे वाले को भी रेडी करना है तो ये देखिए ये हमारी दूसरी वाली पट्टी है जो कि सेम ही साइज़ की है और ये लास्ट का बचा हुआ पीस है तिकोना तो इसको भी हमें एक बारी और फोल्ड करना होगा तो हमने इसे एक बार और फोल्ड कर लिया है और यहां इस तरह इसको भी हम मिला लेंगे जब आप इसको रखेंगे तो ये खुद ही सेट हो जाएगा इस तरह और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे चाहे आप तो पहले वाले जो हमने पीस कट किए हैं उसके भी आप सेम बराबर का इस तरह रख के और निकाल सकते हैं तो यहाँ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से कट कर देंगे और ये यह देखिए यहाँ पर अब आप इसको रख के देखेंगे ये सेम मैच हो रहा है इसका और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे तो ये देखिए ये भी हमने कट कर दिया अब ये भी हमारा दोनों तरफ के लिए है तो डबल फोल्ड का हम एक तरफ के लिए इधर रखेंगे क्योंकि हमारी पट्टी भी डबल फोल्ड है और ये हम दूसरी साइड के लिए रखेंगे तो ये देखिए हमारा दूसरा कोना है तो दूसरे फैब्रिक को इस तरह एक बारी और फोल्ड कर देंगे और यहाँ रखेंगे तो इस तरह फ्रेंड्स बहुत आप आपरारे की यहाँ पे कटिंग देख सकते हैं तो हमने इसको अलग अलग ही फ़ोल्ड किया है ताकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो बहुत ही ये स्टिच हो जाएगा तो ये आप मेरी सोलह इंच के करीब ये कपड़ा है आधे से भी ये बहुत कम है तो ये मैंने पट्टी निकाल ली थी अगर आप चाहें तो इस तरह निकाल लें वरना आपकी एंड में भी बच जाएगी अगर आप इसकी लेंथ कम रखेंगे तो, तो ये देखिए कपड़े को फोर फोल्ड में हमने रखा है तो इसकी विड्थ कम है तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना होगा तो हमें इसका जो घुटने का राउंड रखना है वो मैं रखूँगी इसमें साढ़े सोलह इंच आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं पर ट्रेडिशनल गरारे में थोड़ा लूज़ ही रखा जाता है और वही इसमें अच्छा भी लगता है तो इस तरह हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो साढ़े सत्रह इंच पर मैं इसको मार्क कर लूँगी और साढ़े सोलह पे सिलाई के लिए मार्क कर लूँगी तो यहाँ हम साढ़े सत्रह का इसको कट करेंगे और ऊपर से हम यहाँ पर रखेंगे इसको कमर को तीस इंच क्योंकि हमारी कली नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से पतली होती है तो ऊपर का मैंने फिफ्टीन इंच ले लिया है पूरा इस तरह हम इसको कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं वही बचा हुआ कपड़ा है जो हमारा पहला कोने में से निकला था और यहां से हम इसको अलग कर लेंगे तो ये देखिए पट्टी को हम इस तरह रखेंगे गुलाई को इस तरफ अंदर की तरफ रखेंगे तो ये हमारे नेकर का भी घेरा निकल आया है अब इसमें से बचे हुए कपड़े में से हम मियानी निकाल लेंगे इसकी क्योंकि हम ट्रेडिशनल गरारा बना रहे हैं तो उसको पूरा ही फुल तरीके से बनाएंगे तो यहाँ मैंने मियानी निकाल ली है तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि गरारा इसकी नेकर की फुल लेंथ कितनी रहेगी तो फुल लेंथ इसकी रहेगी हमारी सेवेंटीन इंच तो दो इंच का इसमें हम बेल्ट डालेंगे और पंद्रह इंच पर मैं इसका क्रॉच एरिया निकालूंगी तो यहाँ पर पंद्रह इंच पर इस तरह हमें रख के रुमाली को और कट लगा लेना है जहाँ से हम अपनी रुमाली को जोड़ेंगे तो सेवनटीन इंच का ही हमारा नीकर निकलेगा इसमें यहाँ पे थोड़ी सी चुन आ जाएंगी और ऊपर बेल्ट आ जाएगा विद बेल्ट हमारा ये सेवनटीन इंच का होगा तो सबसे पहले हम इसमें कलिया जोड़ लेते हैं तो यहाँ मैंने कली जोड़ ली है इसी तरह दूसरी कली भी जोड़ लेनी है वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं चारों कली जोड़ लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए कली हमने जोड़ ली है अब हम यहाँ से भी इसको जोड़ लेंगे तो फ्रेंड्स मैंने इसमें लाइनिंग लगा ली है अब हमने यहाँ पे मियानी भी इसमें ऐड कर ली है और आगे हमारी थोड़ी प्लेट्स चलेंगी बेल्ट की जो हमारी चौड़ाई है वो बाईस इंच है तो यहाँ पर हमारी आगे और पीछे थोड़ी सी प्लेट्स आएंगी तो मैंने आगे ज़्यादा प्लेट्स रखी हैं चार चार से पाँच प्लेट हैं और पीछे थोड़ी कम प्लेट्स रखी हैं दो तीन और इसको बेल्ट के लिए हमने खुला छोड़ा है तो इस तरह हमारा नेकर रेडी हो गया है तो यहाँ देखिए हम इसको अब स्टिच कर लेंगे तो यहाँ मैंने इसको स्टिच कर लिया है अब इसका जो नी राउंड है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें चुन भर लेनी है तो चुन भरने से पहले हम इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन किया है तो पहले हमने इस तरह इसको पकड़ के सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह हमने यहाँ लास्ट तक सिलाई लगा ली है अब आप ये देख सकते हैं मैंने एक तरफ की सिलाई लगाई है अभी अब हमने इसको इस तरह यहाँ आपको सिलाई लगाते में ध्यान रखना है सही कोने को ही जोड़ना है यहाँ मिस्टेक हो जाती है तो जिस तरह आपने फोल्ड किया था इसको रखा था उसी तरह आपको इसको सिलना है वरना आप पिन से भी इसको सिक्योर करके सिल सकते हैं तो यहां हमने दूसरी साइड भी इसको सिल लिया है तो ये देखिए फ्रेंड्स एक तरफ का हमारा ये कोना रेडी हो गया है ये कुछ इस तरह इसकी लुक आ रही है एक तरफ से हमने इसको सिल लिया है और जो थोड़ा बहुत हमारा ये एक्स्ट्रा निकल आया है उसको कट कर देंगे और कपड़े को फ़्रेश कर लेंगे अब हम दूसरी तरफ का खोलेंगे और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे इसको पहले रख के देखेंगे किस तरफ का है और फिर यहाँ से भी इसी तरह पकड़ कर सिलाई लगाएंगे तो ये रहा हमारा कोना तो यहाँ कोने से मिलाना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है तो ये वाली सिलाई भी लग चुकी है अब ये देखिए इस तरह इधर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है ये यहां से आप इसको फिर मिलाएंगे इस तरह कोरी से और फिर इसको पूरा सिल लेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टिच कर लेना है कोने से मिलाकर तो इस तरह देखिए ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे जो हमारी बीज वाली पट्टी है उसके ही अकॉर्डिंग हमें चलना है इसमें जो हमने ट्वेंटी थ्री इंच की यहाँ निकाली थी आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे तो ये देखिए हमने फ़्रेश कर लिया है इसको तो इस तरह मैं आपको दिखा दिया है कि हमने इसको किस तरह रेडी किया है अब हम इसमें बारीक बारीक प्लेस डालेंगे हमारा घेर इसमें काफ़ी अच्छा है तो चुन भी बहुत करीब करीब हमें डालनी होंगी इसमें सिलेक्टर को आप जो है मशीन की चाल को थोड़ा बड़ा रख लें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको ठीक भी कर सके चुन को या हमने इसको इसके बराबर का सेट कर लेना है और जॉइंट कर देना है और सेम हमें ऐसे ही दूसरी साइड भी करना है तो अब फाइनली हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे जिसको हमने एक बारी फोल्ड कर लिया है अब हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी अगर आप लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं थैंक्स फॉर